देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बॉन्ड होते हैं, अगर हम एक्वस कंडीशन में बॉन्ड बनाते हैं तो एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन या बॉन्ड होते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोवेलेंट को डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर या फिर इंट्रा मॉलिकुलर हो सकता। अगर मॉलिक्यूल है तो उसके इनसाइड जो एटम है तो उस एटम के इंटरेक्शन में जो है कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो इक्वल हो सकता है या फिर अनइक्वल होगा। और एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटी बॉन्ड, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनते हैं। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखते हो कि सेम एटम के बीच में हो सकता है, और ऐसे दो एटम के बीच में हो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो। जैसे आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस में देखते हैं, ये जो नॉन पोलर गैसेज होते हैं यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप देखते हैं कि जो दो एटम है वहाँ पे लार्ज डिफरेंस मिलेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं, तो क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम अभी इसी वीडियो में आगे चेक करेंगे कि अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं। नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन जो होता है या बॉन्ड होता है, इसको हम इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वैन डेर वाल फोर्स, ये कॉमन होते हैं। देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा तो वहाँ पे बॉन्डिंग किसी भी एटम से, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है तो बॉन्डिंग मान लो ये कि ये हाइड्रोजन से कर रहा है, किसी एक और हाइड्रोजन से कर रहा है, एक और हाइड्रोजन से कर रहा है। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग होता है उसका स्पेशल एक पर्टिकुलर एंगल होता है, ठीक है, और एक जियोमेट्री बनती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्डिंग होता है। तो जो कोवेलेंट इंट्रैक्शन होते हैं वहाँ पे डायरेक्शनल बॉन्डिंग होगा, जियोमेट्री की बात करते हैं और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और ये कोवेलेंट के थ्रू होगा। नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन में क्या है कि नॉन डायरेक्शनल होता है और यहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर बन सकता है या लैटिस डेवलप होगा। और जैसे आयनिक इंट्रैक्शन अगर होता है नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन में, तो इस टाइप से आप देखते हो कि सोडियम आयन जैसे है एंड क्लोराइड आयन है, तो सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि ये अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं। अब इंटरेक्शन क्लोराइड आयन कहीं से भी आके किधर भी किसी भी डायरेक्शन से वो सोडियम से इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर सोडियम जो है क्लोराइड से किसी भी डायरेक्शन में, और इस तरीके से इंटरेक्ट करते करते एक जो है लैटिस स्ट्रक्चर बनाते। एक बार फिर से जो है यहाँ पे आउटलाइन समझ लेते हैं। मैं हाइड्रोजन का केस ले रहा हूँ, और H2 गैस बेसिकली, और ऑक्सीजन गैस और N2। तो देखो, हाइड्रोजन जो होता है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हमने देखा है KLmN जो ये शेल है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 एंड 32। तो ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना ज़रूरी है अगर L में देखें, या ड्यूएट रूल को कंप्लीट करना ज़रूरी है अगर K में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंटेन करना है के शेल में, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है, इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन जो है राइट वाले हाइड्रोजन का। चूँकि दोनों सेम एटम हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे इक्वल हो रहा है, और जब इक्वल शेयरिंग होगा तो एक जो H2 मॉलिक्यूल मिलेगा वहाँ पे कोई पोल नहीं मिलेगा, ना तो प्लस चार्ज ना तो माइनस चार्ज, ठीक है। एक बेसिक चीज़ यहाँ पे समझ लें कि कोई एक एटम है तो उसमें जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं तो न्यूट्रल चार्ज होता है, टोटल नेट जो न्यू चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा।
अब सोचो अगर किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, या अगर यही एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम जो होता है उसने अपना के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेता है और एल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन फिल करता है, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ऑक्सीजन के। अब ये ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके, तो ये 2 बॉन्ड इसलिए बनाता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑक्सीजन के, और ये दोनों लोग आपस में शेयरिंग कर लिए। चूंकि दोनों ऑक्सीजन एटम हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर शिफ्ट हो रहा है ना ही इधर शिफ्ट हो रहा है, वो यहाँ सेंटर में है, और इनमें और ज़्यादा जो है इंट्रैक्शन इंक्रीज, इससे O2 बनता है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन को में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 फिल कर सकते हैं, दूसरे में जो है 5 फिल कर सकते हैं, जबकि 5 की जगह 8 होना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन और ये ले सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कि 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो एक नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा दूसरे नाइट्रोजन से, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इससे आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिलते हैं। नॉन पोलर का मतलब कि कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ में आए। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं। अब जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है, अगर यही ऑक्सीजन 2 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से बनाए, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से बना लेता हूँ ऐसा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। अभी भी ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन पे बचे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम का, ये शेयर किए हुए हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इधर से एक इधर से, तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव, एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और इसकी वजह से यहाँ पे 2 पोल मिल रहे हैं, और अगर 2 पोल मिल रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं पोलार मॉलिक्यूल। तो जो भी पोलार मॉलिक्यूल होते हैं उनमें 2 पोलैरिटी होती है, और वाटर एक पोलार मॉलिक्यूल होता है, और जो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर से इंट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सभी पोलार मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन का भी केस देख सकते हैं कि अगर यही नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ले, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये अमोनिया बना लेता है। अमोनिया एक गैस है, लेकिन ये पोलर कंडीशन होगा, पोलर मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है अगर वहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये ध्यान में रखना। और ये जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहे हैं, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो चाहे मीडियम पोलर हो या नॉन पोलर हो, उस पे डिपेंड नहीं करता। ये कुछ एग्जांपल है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और जहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड नॉन पोलर गैसेस भी हैं जहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है तो इक्वल शेयरिंग होता है। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन का केस दिखाया जहाँ पे कोई डाइपोल नहीं है, ना इधर पॉजिटिव चार्ज है, ना इधर पॉजिटिव, ना इधर नेगेटिव, ना इधर नेगेटिव, क्योंकि दोनों एटम सेम हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन दोनों एटम कंप्लीटली जो है
शेयर कर रहे हैं, इक्वल शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से दो ऑक्सीजन एटम अगर आप इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, शेयर करोगे, तो यहाँ पे भी कोई पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में भी कोई पोलैरिटी नहीं है। यहाँ पे आप देखना कि जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में बहुत लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया है, डबल बॉन्ड में थोड़ा कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड में और कम होता है, और ये डिपेंड करता है किस टाइप का एटम के बीच में बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम केस लेते हैं CO2 का, तो हालांकि CO2 में स्लाइटली अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेट डाइपोल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए हैं वो 180 डिग्री एंगल पे हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और इधर भी ये थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होता है उस एटम पे पार्शियल दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन के केस में आ रहा है। तो इधर नेगेटिव, इधर दोनों पोल पे नेगेटिव होने की वजह से दो अलग अलग पोल नहीं मिल रहे हैं, और ये फिर रिपल करते हैं, है ना, और जो नेट पोलैरिटी है वो कैंसिल हो जाता है। इसीलिए CO2 जो है नॉन पोलर कंडीशन में आता है, यहाँ पे स्लाइटली अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर वहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहाँ हमें पोलर मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल का लिखा है। यहाँ पे बॉन्ड जब दो एटम के बीच में होगा तो लार्ज डिफरेंस होगा उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पे हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ने जब बॉन्डिंग किया तो क्लोराइड चूंकि मोर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिनकी जिस आइटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमें नेट डाईपोल मिल रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाईपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली नहीं जा रहा है क्लोरीन एटम के पास। अगर कम्प्लीटली जाता तो हम एरो इस तरीके से लगाते, और कम्प्लीट नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम कट लगाते हैं, ठीक है। अगर यही क्लोरीन एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लेता तो यहाँ पे कम्प्लीट नेगेटिव चार्ज आता और ये क्लोराइड आयन बच जाता, लेकिन यहाँ पे पार्शियल चार्ज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन से दूर हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप ऑक्सीजन देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किया है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। तो जिनकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो पोल मिलने हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो कि 104.5 डिग्री होता है, हालांकि जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। जैसे कार्बन अगर फोर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल कंडीशन है। आप देखो तो दो लोन पेयर है, और ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको जो है क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ताकि ये हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड एंगल बना ले 104.5। ये भी तो बिल्कुल जो है 180 डिग्री पे बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है जैसा आपने CO2 में देखा वैसा नहीं है। लोन पेयर होने की वजह से वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज एटम को जो बॉन्डिंग किए हैं उनको सप्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो क्या होता है कि अगर किसी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करने में जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और बॉन्ड एनर्जी जो है मीडियम पे इनडिपेंडेंट होता है कि अगर मीडियम चाहे वाटर में है मॉलिक्यूल या एयर में, बॉन्ड एनर्जी सेम होगा। बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हम यहाँ पे किलो जूल पर मोल की बात कर रहे हैं, और हम एब्सोल्यूट
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन दो अलग अलग एटम के बीच में जब बॉन्डिंग हुई है तो 293 किलो जूल है। दो सेम एटम यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में है तो 348, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है तो 413 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आप देख रहे हो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की करें तो देखो नाइट्रोजन में जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, जो नाइट्रोजन गैस है इसको ब्रेक करने के लिए इसको बैक्टीरियम जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट में। और इतना इस नाइट्रोजन के जो ये बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए हमें 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आप इनको जो है किलो जूल पर मोल से आप किलो कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं, ये यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है, 4.18 किलो जूल के बराबर होता है, या 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो इट डिफाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये हमारा एक एटम है और ये हमारा दूसरा एटम है। अब इनके बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, इस तरीके से अगर बॉन्डिंग हो रहा, न्यूक्लियस यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। आप देख सकते हो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो बॉन्ड लेंथ 154 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं तो 133 है, और इस तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 120 है। इसको हम पिकोमीटर यूनिट है, अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहते हैं तो 1.5 एंगस्ट्रॉम या 1.54, इसको 1.3 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, इसको 1.2 एंगस्ट्रॉम, या NM में चेंज करना चाहते हैं तो 0.15 NM। देखो जो कोऑर्डिनेट या डीटी बॉन्ड होते हैं ये थोड़ा अलग है। इससे पहले आपने देखा जो दो एटम मान लो ए और ए के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रहा था तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ये भी इक्वल डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। अगर दो अलग अलग एटम हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो जो लार्जर एटम मान लो ये बी लार्जर है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा था इक्वल एंड इन इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग से पोलर मॉल, इक्वल शेयरिंग से नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिल रहे थे और अनइक्वल शेयरिंग से पोलर मॉलिक्यूल मिल रहे थे। डेटिव बॉन्ड थोड़ा अलग होता है। डेटिव बॉन्ड में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एटम है ये कम्प्लीटली दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और उसके बाद इसके पास जो अलग दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से अपने ही इलेक्ट्रॉन जो दिए हुए इलेक्ट्रॉन है उससे शेयरिंग करते हैं, तो इसे हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्ड बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल पे उसको शेयरिंग करते हैं। जैसे अमोनियम आयन का अगर हम केस लें, हाइड्रोनियम आयन में भी एक शेयरिंग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इन्होंने तीन बॉन्ड बना लिया, अपना तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, किससे, हाइड्रोजन से शेयर कर लिया है सिंगल सिंगल बॉन्ड। अभी भी नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर एक प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द प्रोटॉन। अब हमारे पास सोचो एक प्रोटॉन आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे दिया। अभी भी इस अब ये हाइड्रोजन एटम बन गया, अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना कॉन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, तो यही जो एक रेस्ट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बचा है ये इलेक्ट्रॉन फिर इस दिए हुए इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो एरो ऐसा लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, फिर उसी से शेयरिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हो ओवरऑल जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस मॉलिक्यूल पर, ये अमोनियम आयन बनता है। तो नाइट्रोजन देख रहे हैं आप, इसने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग तीन हाइड्रोजन से बनाया है और चौथे हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो अगर नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे कंप्लीट एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे एक प्लस वन चार्ज आएगा, और ऐसे चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर अपने एक इलेक्ट्रॉन से और दिए हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग,
या न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन लेविन। तो इस नाइट्रोजन को प्रोटॉन चाहिए और वही प्रोटॉन यहाँ पे आया, इसी को हम लुईस वेस बोलते हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसी को हम लुईस एसिड बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है नॉन पोलर एंड पोलर गैसेस का। रिलेटिव सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर को देखें, अगर वाटर में देखें तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सॉलिबिलिटी इन वाटर ग्राम पर लीटर है। तो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी देखो, ये अलग अलग टेम्परेचर पे ये सॉलिबिलिटी रिकॉर्ड किया गया है। तो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी देख रहे हो सबसे कम है। तो अगर आपके आपको क्वेश्चन दिया जाए इन तीनों गैसेस की सॉलिबिलिटी वाटर में देखा जाए, जो है सबसे कम जो है नाइट्रोजन का होता है, यानी कि नाइट्रोजन मोर पोलर नेचर का है। यहाँ पे तीन बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन पे दो बॉन्ड होते हैं, इनमें भी दो बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखे थे CO2 में थोड़ा सा पोलैरिटी नज़र आ रहा था, इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये दोनों पोलर जो है गैसेस होते हैं, तो इनकी सॉलिबिलिटी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा है।